हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडिया ट्रेवल ब्लॉगर में स्वागत है। और हम मुसाबा में आ गए हैं। ये मुसाबा का पुराना किला है, ये देखिए लोग बैठे हुए हैं। अलाउड नहीं है, भाई साहब कह रहे हैं कि घर में अलाउड नहीं, इसलिए यहाँ आके हुक्का पी रहे हैं। और ये देखिए अंदर का एरिया है। ये पहले एक किला हुआ करता था, बहुत ही बड़ा किला हुआ करता था। अब ये खंडहर में बदल गया है और इसकी छतें वगैरह सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं और एकदम बेकार हो चुका है। संरक्षित इमारत है लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और देखिए ये रास्ता है जो टूट के बना हुआ है, इसके ऊपर आप जा सकते हैं। यहाँ से देखिए, इस ऊपर से मैं आपको पूरे किले का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हॉल रहे होंगे, साइड में देखिए बरामदा टाइप बना हुआ है। इस समय के हिसाब से ये बहुत ही ऊंचाई पे है। यहाँ से आप देखेंगे दूर जो है रिंग रोड में निकला हुआ है, जिससे आप जो है IM रोड वगैरह जा सकते हैं। ये देखिए ये पूरी छत के ऊपर की जो दीवार है, तो छत तो बचा नहीं है, ये दीवारें हैं, इस पर आप घूम टहल सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा रहस्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए, यहाँ पे हमने सुना है कि कोई बाबा की मज़ार है जो अंग्रेज़ थे, और यहाँ पे लोग मन्नतें मानने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो मैं उसको दिखाने के लिए आपको ले जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए। देखिए ये पीछे का जो झंखाड़ वाला रास्ता है, इधर से आप जा सकते हैं। ये पीछे आपको खेत नज़र आ गया। और देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो बाज़ार जो है वहाँ पर सुना है कि वो बाबा को सिगरेट चढ़ाने पे आपकी मन्नत पूरी होती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं मज़ार। खेत का नज़ारा है। और ये सीधा आगे भी मज़ार है एक, वहाँ पे जाता रास्ता। पहले मैं इस मज़ार को दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए चारों तरफ से इसको, इस कब्र जो बनी हुई है इसका घेरा है। और ये देखिए मैं इसको नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको, पढ़ने में शायद आ जाए। ये एक अंग्रेज़ कैप्टन थे, उनकी ये कब्र है। और जो लोग यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं यहाँ पे, तो वो लोग का ये मानना है कि यहाँ पे अगर सिगरेट बाबा को पिलाते हैं, बाबा के लिए चढ़ाते हैं, तो उनकी मन्नत जो है पूरी हो जाती है। ये देखिए सिगरेट लगा हुआ है, आपको साइड में दिख जाएगा। अब उनकी मान्यता है, वही बता सकते हैं जो लोग यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं।
हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये सिगरेट है, साइड में लगा हुआ है, ये सामने से, ये देखिए ये साइड में भी सिगरेट आपको दिख जाएगी, और इधर भी साइड में सिगरेट है। तो जो लोग यहाँ आते हैं मन्नत मानने, उनका ये मानना है कि यहाँ पे जो है ऐसे मन्नतें मुरादें जो उनकी हैं तभी पूरी होंगे जब बाबा को आप एक सिगरेट जला के वहाँ आप छोड़ दिए तो बाबा सिगरेट पी लेते हैं, जो भी मानता होगा। तो ये यहाँ पे सिगरेटें हैं जो इसकी गवाही देती हैं कि जो लोग आते हैं सिगरेट चढ़ाते हैं, और ऐसा बताया भी जाता है। बहरहाल अब हम चलते हैं, ये देखिए मूसा टॉम जो था, जो किला किला भी है, और यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, तो वो ये सब एरिया पूरा ही मूसा बाग का है, पूरी ज़मीनें जो अब पूरा खंडहर हो चुका है, बहुत बड़ी इमारत थी बताया जाता है हिस्ट्री में। ये देखिए दूर से भी मैं दिखा रहा हूँ, ये एक इमारत है जो टूटी हुई है, और इस तरह ये रास्ता है, पहले लोग एक आगे मज़ार है वहाँ पे, रोज़ा है, तो वहाँ पे भी लोग आते हैं। तो ये रास्ता सीधे जाता है, हम लोग उल्टी तरफ से आए हैं, पहले हम लोग को उधर से आना चाहिए था, पहले जहाँ पे रोज़ा है वहाँ पे आते हैं लोग, पहले वहाँ मन्नत मांगते हैं, फिर वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं, जो आखिरी मन्नत अपनी मानना होता है, मतलब पहले वहाँ आइए फिर यहाँ आते हैं। ये सीधा एक पतला सा रास्ता है जिसमें आप साइकिल या मोटरसाइकिल से आ सकते हैं। ये देखिए ये मूसा बाग का किला जो है, ये है रोज़ा, यहाँ देखिए कई मज़ारे बनी हुई हैं। यहाँ जुमेरात को बहुत ही भीड़ होती है, एक जुमेरात को यानी थर्सडे को हम लोग आए थे तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। ये देखिए ये बना हुआ है रोज़ा, और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजब जो उर्दू महीना है उसमें हर वर्ष जो है 12, 13, 14 तारीख को एक आयोजन होता है, यहाँ पे प्रोग्राम होता है जो बहुत ही व्यापक तरह पे होता है। और ये देखिए यहाँ एक देसी मुर्गा किसी चढ़ा उड़ा गए होंगे, तो ये है, आप अब ये है, कोई भी ले जा सकता है, काट के खाए उसको। बहरहाल यहाँ पे एक सावन के महीने में भी मेला लगता है, यहाँ पे काफ़ी लोग उस तादाद में आते हैं। ये देखिए एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे खेल रही थी जो डब्बे में अपने को बंद किए हुए हैं, कैसे हो बेटा, और ये इसी में मस्त है। बहरहाल ये मूसा बाग का जो पूरा एरिया था मैंने आपको इसमें एक्सप्लोर किया और बताया। ये देखिए खरगोश भी यहाँ कई किस्म के हैं, यहाँ पे ये लोग सेल करते हैं, अगर आपको लेना है खरगोश पालने के लिए तो आप यहाँ से आके परचेज़ भी कर सकते हैं, ये लोग पकड़ के इसको यहाँ पे बेचते हैं। और इस तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नई जगह पे, तब तक के लिए धन्यवाद।